दोस्तों नमस्कार, मैं वारिस खान। हमारे खास कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। जुर्म का दूसरा नाम बन चुके उत्तर प्रदेश का विकास दुबे चाहे अपने किए की सज़ा पाकर पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका हो, मगर देश भर में कितने ही विकास दुबे कुकुर मुत्तों की तरह पनप रहे हैं, जो जुर्म सितम की कहानियाँ लिख रहे हैं। ऐसे ही आपराधिक गतिविधियों को चलाने वाले दूसरे विकास दुबे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल के राजू ईरानी। सड़कों पर चलने वाले लोगों से लूटमार करने से लेकर चेन स्नेचिंग करने, लोगों से फिरौती वसूलने, बड़ी बड़ी लूटमार और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के काम का गिरोह चलाने वाला सरगना बनकर बैठा है राजू ईरानी। ऐसे अपराध करवाने वाले इस मास्टरमाइंड के खिलाफ प्रदेश के गंज बासुदा, महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे तो गुजरात के बड़ौदा सहित कई राज्यों में दर्जनों मामले दर्ज होने के बाद भी मध्य प्रदेश की पुलिस की पकड़ से ये कोसों दूर है। करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाकर बैठे सरगना की लाइफस्टाइल भी लग्जरी है। करोड़ों का घर है तो महंगी कीमती गाड़ियों का भी शौकीन है। रईसों की जीवन शैली आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पूरी करता है। गिरोह को अपने ही करोड़ों रुपये की लागत से बनाए हुए घर में संचालित करता है, मगर अपराध जगत के इस सातिर के पुलिस इतनी ही दूर है जितनी उत्तर प्रदेश के विकास दुबे से मौत से पहले हुआ करती थी। क्या पुलिसिया विभाग प्रदेश की धरती पर जुर्म को पनपने से रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, या शातिर सरगना राजू ईरानी के आगे बोना साबित हो रहा है? महाराष्ट्र के बेमड़ी जिला ठाणे से फरार शातिर अपराधी ईरानी का पुणे, बड़नगर, उज्जैन और कलकत्ता जैसे शहरों में लूटपाट, ज्वेलरी लूटना तो कहीं नकली पुलिस बनकर लोगों से फिरौती वसूलने जैसे मामले दर्ज हैं। कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय न्यूज चैनल के दावे हैं कि पुलिस ईरानी डेरे अमन नगर भोपाल मध्य प्रदेश में अगर दबिश देगी तो देश के कई चोर लुटेरे जो राजू ईरानी के इशारों पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने और गिरोह को पकड़ सकती है। मगर अफसोस कि प्रदेश की राजधानी की पुलिस इतनी नाकाम और नाकारा साबित हो रही है कि गिरोह तक पहुंचना तो दूर, उनकी तलाश करने की कोशिश तक नहीं कर रही। ऐसा लगता है जैसे राजू ईरानी को अपराध करने के लिए खुली छूट और प्रशय दे रखा हो। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। राजू ईरानी के बारे में, राजू ईरानी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम पड़ताल। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।